अगर पानी की तरह पैसा हाथ में नहीं रहता तो जल्द अपनाएं नमक के ये उपाय। नमक का जीवन में बहुत उपयोग है। दाल या सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो नुकसान और कम हो तो भी नुकसान। नमक हमारी आयु को बढ़ाता भी है और नमक हमारी आयु को घटाता भी है। नमक का उपयोग करना बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ खाद्य पदार्थों में उपयोग हेतु नमक के बारे में नहीं बताने जा रहे। वैसे तो नमक के ढेरों उपाय हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में नमक के ऐसे चमत्कारी उपाय बताएंगे जिन्हें आप श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता की अवश्य लिख दें। आइए अब जानते हैं दोस्तों, नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सामान्य नमक आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को कुछ लोग राहु का प्रतीक भी मानते हैं। आइए अब जानते हैं नमक के चमत्कारी उपायों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से ही यह बुरा असर नहीं देता है। नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए। नमक का पैकेट भी देने से बचना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ध्यान रखें, भोजन पकाते समय भोजन को चखें नहीं, उससे भोजन की पवित्रता नष्ट होती है और दरिद्रता आती है। नमक कम हो जाए तो बाद में डाल दिया जाएगा। भगवान को भोजन नैवेद्य लगाने के बाद ही भोजन को चखें, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। यदि सुखी रहना है तो करें ये उपाय। यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है तो उसका नमक बिल्कुल ना खाएं। उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। डर कहीं का नमक या नमकीन ना खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसी का खाइए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। भारत में इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक को गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, दरिद्रता दूर करने हेतु उपाय। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक, समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। धन का प्रवाह बनाए रखने हेतु उपाय। घर में धन का प्रवाह बनाने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख दें
और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दे। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दे। बाथरूम या टॉयलेट दोष से मुक्ति के उपाय। नमक हर तरह की गंदगी को हटाने वाला रसायन है। एक कांच की कटोरी में खड़ा नमक यानी समुद्री नमक भरें और इस कटोरी को बाथरूम में रखें। इस उपाय से भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सकती है। हर माह कटोरी का नमक बदल लें। पुराने नमक को फेंक देना चाहिए और नया नमक भर लेना चाहिए। टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल साल्ट यानी धड़धड़ा नमक भरकर रख लें। इसे दिन 5 दिन बाद बदल लें। पहला टॉयलेट के सिंक में डाल दें। अगर किसी कारण टॉयलेट उत्तर पूर्व में हो तो इसके दरवाजे पर रोइंग लाइन का फोटो पेस्ट कर दें। धन प्राप्ति हेतु और बरकत हेतु उपाय। नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक जो है आपकी आने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहेगी। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार ले एंटी क्लॉकवाइज और उसे दरवाजे के बाहर फेंके। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दे। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वास्तु दोष मिटाएं नमक से। मिला जुला वास्तु दोष हो तो जिसे आप बदल नहीं सकते, मन में खिन्नता भय चिंता होने से दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर कुछ देर तक रखे रहे, फिर वाश बेसिन में डालकर पानी में बहा दें। नमक इधर उधर ना फेंकें। रोग मुक्ति हेतु उपाय। सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, जिससे घर में धन का प्रवाह बना रहेगा। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दे। धीरे धीरे उस व्यक्ति की सेहत में सुधार होने लगेगा। नजर उतारने के लिए उपाय। यदि आपको किसी बच्चे को किसी नजर लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उस पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल में बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। शनि के दुष्प्रभाव से बचने का उपाय। यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक ना डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर हैं तो उसका उपाय। अगर कुंडली में चंद्र कमजोर है तो समुद्री या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। लेकिन यदि कुंडली में मंगल कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रह कलेश से बचने हेतु उपाय। यदि पति और पत्नी में किसी भी बात को लेकर अनबन रहती है या ग्रह कलेश है या किसी प्रकार की मानसिक अशांति है तो सेंधा या खड़े नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। इस टुकड़े को महीने भर के बाद बदल लें और दूसरा नया टुकड़ा रख दें।